As we all know that we are gathered here for a workshop. मैंने आपको SCA का introduction पहले ही दे दिया था. SCA is a Society of Computer Science Department in which we tend to organize the co-curricular activities as well as curricular activities. जिसमें हम coding से लेके development से लेके personality development designing इन सब चीजों पे focus करते हैं. And our main motive is to encourage you all and give you exposure regarding different fields that are available to us. Today we are here to organize a workshop that is Introduction to Programming. Isme two parts hai. Ek coding which include DSA, Competitive Programming etc. and development part mein web development and Android development hai. To aapke Ujjwal sir se start karenge. He is the head of the coding department and Ananya Gupta sir is the head of web development and Android development department. So agar aapko इन फ्यूचर कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. यू हैव अ वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड सीनियर्स वेदर इट्स योर फाइनल ईयर और थर्ड ईयर. तो आपको जब भी कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो दे आर रेडी टू हेल्प यू विदाउट एनी हेजिटेशन. यू कैन कॉन्टेक्ट देम. थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू कॉल उज्ज्वल टू स्टार्ट दी. ही इज योर सीनियर फ्रॉम सेकेंड ईयर. ही विल स्टार्ट एक महीना. अच्छा तो यार एक चीज बताओ, हॉस्टल में पढ़ाई भी होती है तो मस्ती चलती रहती है. तो यार अब टाइम आ गया थोड़ा यार अपनी स्किल्स पे फोकस करने का. तुम्हें से कोडिंग किस किस को आती है? गिनती के 5-6 हो तुम लोग मतलब. तो देखो यार तुम्हारा एंड गोल ऑलमोस्ट सेम है. तुम सबको ये अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करनी है कॉलेज से. और अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए तुम्हारे पास स्किल होनी जरूरी है. और सबसे बेसिक जो स्किल होती है वो प्रोग्रामिंग स्किल होती है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे यार प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट करनी है. आपको एक प्रॉपर रोडमैप देंगे क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है. तो ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यार आप एक लैंग्वेज स्टार्ट करोगे, लैंग्वेज चूज करोगे. तो लैंग्वेजेस में आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है, C++, जावा और पाइथन. दिख रहा है सबको? विजिबल है? तो यार आपके पास तीन लैंग्वेजेस है, C++, जावा और पाइथन. इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो. तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. कल को आप कोडिंग इंटरव्यूज में जाओगे किसी कंपनी के, वहां आपको कोई कंपल्सरी नहीं होता कि यही पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करनी है, C++ करनी है, जावा करनी है, पाइथन करनी है. बट इन तीनों में भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको. पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. इंटरप्रेटर का मतलब पता है किसी को? किसी को नहीं पता? हाँ, लाइन बाय लाइन. तो यार पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है. तो इस चीज से क्या होता है यार, आपका ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है प्रोग्राम का. जब मान लो आपके पास बहुत लंबी लाइंस का कोड है, 1000 लाइन का कोड है, तो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है. और C++ जावा. तो जावा में यार क्या प्रॉब्लम लगती है मेरे को, जावा में यार देखो बहुत बेसिक चीजों के लिए आपको ना प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है. कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है, फंक्शन नहीं है इनबिल्ट कोई. तो जावा में थोड़ी यहां दिक्कत आ जाती है कि कहीं ना कहीं जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है कहीं ना कहीं. तो आप यार C++ सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं. मैं खुद भी C++ में कोड करता हूं. C++ में देखो बेस्ट चीज क्या होती है, STL. STL क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. और लाइब्रेरी में क्या चीजें होती है यार कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं इनबिल्ट होते हैं जो मतलब आपको लेट से एक एरे को रिवर्स करना है, शॉर्ट करना है, GCD का मतलब पता है किसी को? HCF निकालना. हाँ, तो आप डायरेक्ट फंक्शन लगा सकते हो डायरेक्ट C++ हो. तो इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो. मेरी प्रेफरेंस तो C++ होगी, मतलब आपकी चॉइस है. आप हो सकता है आपने 12th में CSE हो आपकी, तो आपको पाइथन आती हो तो आप पाइथन कंटिन्यू भी कर सकते हो. ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें ये करना है ये करना है, ठीक है. अब मान लो अब ये चीजें हैं तो C++ के लिए मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा आपको कहां से करनी है, ठीक है. C++ होगी कोडिंग थ्योरी. नाम सुना आपने किसका?
हाँ तो यार ये काफी पॉपुलर चैनल है, मैंने भी अपनी C++ पे यहीं से सीखी थी। ठीक है, और मैं आपको कुछ और भी सजेस्ट कर देता हूँ C++ के लिए, एक और है दक्षिण। तो यार मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूंगा, ठीक है, अगले नेक्स्ट मंथ में तुम्हें C++ की या कोई भी मैं और लैंग्वेजेस बताऊंगा उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट है तुम्हें। इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 74 लेक्चर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 5-6 मिनट की वीडियो है एवरेज। ठीक है, तो यार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और यार देखो करने वाली ये चीजें ना हफ्ते दो हफ्ते में कर देते हैं, बट एक ठीक ठीक एवरेज टाइम मैं आपको टाइम स्पेंड दे रहा हूँ, एक महीने में आप अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करिए, लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्लियर करिए। ठीक है, जावा आप कर सकते हो, टेलिस्को से जावा आप कोडिंग थ्योरी से भी कर सकते हो, ठीक है, और पाइथन आप कर सकते हो टेलिस्को से, और सेम चीज आप कोडिंग थ्योरी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है यार, आपने एक दो महीने में लेट्स से मैच टू मैच दो महीने लिया आपने कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, दो महीने यार बहुत होते हैं, मैं आपको बताऊं तो करने वाले बंदे होते हैं ना दो हफ्तों में ही निपटा देते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमसे एज ले जाते चीजें। आप सब यहां आ रखे हो तो कहीं ना कहीं आप अवेयर हो कि हाँ यार हमें कुछ करना है, कॉलेज से प्लेसमेंट ग्रैब करनी है। आपको पता होगा यार लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में काफी अच्छी प्लेसमेंट गई है, यहाँ के बंदों ने काफी अच्छा छोड़ा है। ठीक है, तुम्हें भी वो चीजें करनी है, एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करनी है। ठीक है, और तुम्हारी लेट से लैंग्वेज हो गई, अब बात आते हैं कि लैंग्वेज तो हो गई, ये वैसे ही आपने जेई के टाइम पे कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, तो बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या करना है, तो देखो यार कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि हैकर रैंक हो गया। इसमें क्या है, आप बहुत बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन करने पे यार क्या होता है, हर लेवल पे आपको स्टार मिलते हैं। आप में से लिंक्डइन कितने लोग चलाते हो, सिर्फ एक ही, अच्छा ठीक 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 चलाते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी अपना आज लिंक्डइन अकाउंट खोलिए, ठीक है, लोगों को ऐड करिए, अपने सीनियर्स को ऐड करिए, आपको पता लगेगा यार लिंक्डइन अगर आप चलाओगे कि यार लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। आपने इस कॉलेज एनवायरमेंट में बहुत, मतलब ऐसा हो गया कि आप यहाँ बंद से हो गए हो, ठीक है, आपको बाहर का कुछ नहीं पता बाहर क्या क्या चल रहा है, लोग यार बहुत तगड़ी चीजें कर रहे हैं बाहर। ठीक है, और हमें भी यार अपना लेवल उस लेवल पे पुश करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ, मतलब आपको लग रहा होगा यार आप बहुत लग रहा होगा यार सोच के तो मैं बहुत कुछ आया था घर से, लेकिन सडनली हॉस्टल में आके सब स्टॉप हो गया, कुछ नहीं हो रहा, लग रहा है ना, हाँ। तो यार देखो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा डेली मिनिमम एक घंटा निकालो खुद पे फोकस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा ना, किसी ने मेरे को यार एक बात बोली थी, थोड़ा सेल्फिश बनो, ठीक है, दोस्तों से भी टाइम निकालो और चीजों से भी टाइम निकालो, करो हर चीज, कॉलेज में यार फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, हर चीज एक्सप्लोर करो, लेकिन थोड़ा टाइम निकालो एक घंटा मिनिमम कोडिंग के लिए, अपनी स्किल के लिए। ठीक है, तो हैकर रैंक पे यार आपको क्या होता है कि लेवल टू लेवल आपको स्टार मिलते हैं, तो जब आपके लेट्स से 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार हो गया आप, तो आप अपने उसे रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हो, तो लोगों को पता लगता है यार रिक्रूटर्स को भी, हाँ यार इस बंदे ने कुछ करा है, इसे कोडिंग आती है। ठीक है, तो ये बात होगी हैकर रैंक, ठीक है, यहां से थोड़ा हम अलग उसमें जाएंगे, हैकर रैंक हो गया, लेट्स से कोडिंग भी आ गई। अब बात आती है कॉम्पिटेटिव कोडिंग का, किसने सुना, किस किसने पता है कॉम्पिटेटिव कोडिंग, हाँ तो कम ही लोग हैं। तो कॉम्पिटेटिव कोडिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कोडशेफ और कोड फोर्सेस, ये है इंडियन प्लेटफॉर्म है और ये रशियन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोडशेफ में क्या होता है, लाइव कॉन्टेस्ट होते हैं डेली आपके 8 बजे से, कभी दो दो दिन में 8:30 बजे के करीब होते हैं, 11 बजे तक 3-3 घंटे के कॉन्टेस्ट होते हैं, कई बार लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं 3-3 दिन के। इसमें आपको क्या होता है यार 7-8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप ना पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड कंप्लीट करते हो। ठीक है, और आपको पता लगता है आपकी रैंक कितनी है, आपको थ्रिल मिलता है कि हाँ यार मैं इनसे आगे निकल गया। आप अपने उसको, अपने क्लासमेट्स को देखते हो, वो भी सीपी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, आप सोचते हो यार इसने ये क्वेश्चन बना लिया, मेरे से नहीं बना, मेरे से क्यों नहीं बना। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पुश होते हो, आपको थ्रिल मिलता है, तो आप यार ये चीजें भी कर सकते हो। एक ना सीपी का कल्चर डेवलप कर रहा है अपने फर्स्ट ईयर में, मतलब इस चीज से काफी तुम्हें हेल्प मिलेगी अपने आप से पुश करने की। ऐसे तुम यार क्या होता है मोटिवेशन लूज हो जाती है टाइम के साथ, जैसे अभी यहां से तुम जाओगे मोटिवेटेड जाओगे, थोड़ा कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करोगे, यूट्यूब पे देखोगे क्या करना है क्या नहीं करना, बट सडनली 3-4 दिन बाद फिर डाउन हो जाएगा।
तो अपने को कॉन्स्टेंट मोटिवेशन देने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये बताना कि हाँ यार मेरे को कुछ करना है सर, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। ऑलमोस्ट तुम सबका जहां तक गेट वाले हैं, क्या कोई गेट वाले नहीं है ना, एक है तो यार एक दो ही है गेट वाले, तो ऑलमोस्ट सबका ये है कि बीटेक में एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, ठीक है। तो वो करने के लिए ये चीजें तुमने कर ली, प्रैक्टिस कर ली, कोर्स चेक कर लिया, कोर्स कोर्सेस कर लिया, तो इसके बाद तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो आगे। नाउ आई इनवाइट उर्जुल कपिल सर फॉर। हाय एवरीवन, यार इसने सही बताया कि अगर लैंग्वेज कोई भी स्टार्ट कर दो, अभी इसने कहा कि एक महीने का आपको चैलेंज दिया है C++ का कोई से भी जावा किसी का भी एक स्टार्ट करने के लिए, पर मैं यार सजेस्ट करूंगा कि एक महीने में पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर गया हो, और जैसा उसने बोला कॉम्पिटिशन का, उसके बाद फिर आपका ना एक बेसिक कोई भी एक लैंग्वेज को लेके लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एक कॉम्पिटिशन कराएंगे। जैसे हमने भी लास्ट मंथ आपके आने से पहले भी कराया था डी कोड, अगर आपने किसी ने उसके क्वेश्चन देखे भी हो तो सेम ऐसा डी कोड हम आपके लिए कराएंगे सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। और मेरा ये मन है कि हम इस तरह से कराएंगे, आपकी ब्रांचेस वाइज टीम है, आपकी सी एस की टीम है, ए आई की टीम है, इस तरीके से हर एक आपकी हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम्स है, तो उस टीम वाइज को उस टीम के वर्सेस इस टीम वर्सेस मतलब पूरा एक ऐसा कॉम्पिटिशन कराएं ग्रुप वाइज ऑर्गेनाइज करके, जिसमें से हम अपने डिपार्टमेंट से बेस्ट भेजें, उनके वहां से उनके बेस्ट हैं वो आए कोडिंग के लिए, इस तरह हम कम्पीट कर एक पूरा एक फर्स्ट ईयर का कॉम्पिटिशन कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक क्या, आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़ के आनी है, मतलब कोई भी किसी की वीडियो पूरी कर लो, या फिर चलो की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है उसकी भी शायद 100 के आसपास वीडियोस हैं, वो कोई भी पूरी कर लो, अगर तुम्हें पाइथन पढ़नी हो इसकी एलिस्को के साथ साथ ओबिट हेल्प भी आता है पाइथन में, उसकी 125 वीडियो है वो पूरी कर लो आप, 125 में भी अगर आप 100 भी करके आ रहे हो उसकी तो 100 में उसका बेसिक्स पूरा कवर हो जाता है इंक्लूडिंग आपका हुक्स पाइथन में इंक्लूडेड भी, तो ये सारी लैंग्वेज आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप उसके बाद जब लैंग्वेज पूरी करने के बाद आप आएंगे तो उसके बाद आपका मेजर कंसेप्ट आता है डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब आप बेसिक लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसमें आप एरे वगैरह पढ़ चुके होंगे, एरे और शायद स्टैक भी पढ़ लें, लेकिन उसके बाद जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आती है लिंक लिस्ट आ गया आपका, हीप आ गया, ट्रीज एंड ट्रीज ग्राफ वगैरह आ गए सब, तो वो सब आपके इंक्लूड होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। अब डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मेजरली क्वेश्चन क्या है कि लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन हो रहे तो फिर डेटा स्ट्रक्चर भी, तो यार जैसा आप पीयूष ने बताया कि अभी हमारे लास्ट ईयर हमारे सर का 97 प्लेसमेंट निकला अमेजोन में, अमेजोन लंडन में, दूसरा हमारी मैम थी फाइनल ईयर में उनका 47 लाख का माइक्रोसॉफ्ट में निकला, तो उनका बेसिक रीजन था कि उनका डीएसए स्ट्रॉन्ग था, मैंने खुद अमेजोन वाले सर से इनमें निकला उनसे बात की थी, उनके 5 राउंड हुए थे मेजरली जो कोडिंग राउंड हुए थे अमेजोन में 5 राउंड हुए थे एंड दे ऑल आर डीएसए बेस्ड, पूरे डीएसए बेस्ड, 2 या 3 क्वेश्चन करने होते आपको 1 and 5 hours में 3 या 4 क्वेश्चन फेस टू फेस बैठ के, और आपको कोड भी लिखना था, यू हैव टू जस्ट शो द एल्गोरिथम, अगर आपको उसकी एल्गोरिथम तक भी दिखा रहे तो आपका इंटरव्यू एक बार में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसलिए डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है किसी भी आपको कोड को लिखने में और फिर उसको ऑप्टिमाइज करने में, जिससे कि आपको वो राउंड क्लियर हो पाए, तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। इसके बिना प्लेसमेंट शायद बहुत मुश्किल, अगर आपको यू वांट टू अ गुड पैकेज तो इसके बिना नहीं होगा प्लेसमेंट डीएसए के लिए। तो इसके बाद इसका मेजर सोर्स की बात करें डीएसए की, सबसे बेस्ट में मानता हूं अगर आप C++ या सी में कर रहे हैं तो अब्दुल बरी, किसी ने नाम सुना है, यूडीपी पे उसका पूरा कोर्स है अब्दुल बरी का, तो वो पूरा आप परचेज कर सकते हैं, आई थिंक 455 का है, परचेज करने अगर कोई सोच रहे परचेज ना करे तब भी इसका मिल जाता है पूरा डाउनलोडेड मेरे पास खुद है, लेकिन एक परचेज एफपी और परचेजिंग का कोर्स देन यू विल बी अ लिटिल बिट मोर मोटिवेटेड एज कंपैरिजन टू अगर आपने कहीं से वैसे उठाया है वो कोर्स, क्योंकि यार आपने वहां पर पे किया है तो आप उसको फिर कहोगे कि मैंने पे किया है तो एटलीस्ट कुछ एक दो लेक्चर उसका पढ़ते रहे डेली पढ़ते रहे, तो उसमें लगभग 60 या 65 लेक्चर है, 65 hours का कोर्स है वो आपका आता है बाद में कोर्स में ये अब्दुल बरी का। देन उसके बाद एक लव अपर नाम सुना किसी ने, तो लव अपर ने अभी पूरा एक नया चैनल बनाया कोड हेल्प करके कुछ, उसमें उन्होंने पूरा डीएसए को जाना, अगर वहां से भी करना चाहे तो वो भी एक बेटर सोर्स होगा, बहुत अच्छा सोर्स होगा वो भी। उसके बाद हम इन्हें तो हो गए C++ के, लेकिन अगर आप किसी भी लैंग्वेज में एक बार डीएसए पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, क्योंकि डीएसए का मेन स्ट्रक्चर सेम रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज जो भी आपने पढ़ी है उसके हिसाब से चेंज करके आप उसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर अगर आप बात करें कि पाइथन और C++ इसमें डेटा स्ट्रक्चर किसमें करेगा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज स्टार्टिंग से C++ ही पकड़ के चलें, आपकी सीपी में बेस्ट रहेगी, सबसे ऑप्टिमाइज लैंग्वेज है, सबसे टाइम कम लेती है, और उसके बाद फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बेस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आई थिंक C++ में ही है कंपेयर टू पाइथन।
हालांकि जो एआई वाले थर्ड सेमेस्टर में पाइथन पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन तो वो सिर्फ लैंग्वेज होगी। आप अगर उससे कोड भी देखेंगे 70-80 लेक्चर पूरे कर पाए तो वो पूरा तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर आप खाली भी पाइथन भी करते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर अगर आगे फॉरवर्ड करना है तो सी प्लस प्लस शायद बेस्ट रहेगा उस पर पढ़ने के लिए। उसके बाद इसमें बात करें आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की, तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और नॉर्मल भी, ये दोनों स्ट्राइवर का नाम सुना है किसी ने? स्ट्राइवर राज विक्रमादित्य। तो स्ट्राइवर एक आपका स्ट्राइवर करके चैनल है टेक यू फॉरवर्ड, उसके चैनल का नाम टेक यू फॉरवर्ड है। तो उन्होंने पूरा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सबसे कंप्लीट डिटेल में अगर किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाया फ्री एकदम, तो उसको टेक यू फॉरवर्ड और नाम जो पढ़ा दें स्ट्राइवर है राज विक्रमादित्य, वो SDK गूगल में है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद कोई कोर की LUV करके चैनल है, उन्होंने भी डेटा स्ट्रक्चर प्लस आपका CB की छोटी-छोटी एल्गोरिथम्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो दोनों उन्होंने पढ़ाई है। और आपका जो जावा की बात करें तो जो स्ट्राइवर ने Java/C++ दोनों का साथ में पढ़ाया, उसकी पूरी ग्राफ की प्लेलिस्ट अलग है, की ट्रीज की प्लेलिस्ट अलग है, और उसके बाद रिकर्शन जो टॉपिक आते हैं DSM रिकर्शन उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वो जाकर टेक यू फॉरवर्ड आई थिंक एक बार जरूर एक्सप्लोर करें, लेकिन उसके लिए प्री रिक्वेस्ट होगी या कोई इसी लैंग्वेज मास्टर करके जाए, बिना मास्टर करे आप उस चैनल पे जाएंगे देन यू विल गेट नथिंग। तो ये उसको वो खुद अपनी वीडियो में पहले बोल देंगे, अगर आपने कोई लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखे हैं देन उसके बाद आप उसके चैनल से पढ़ सकते हैं, मतलब वहां से पढ़ने का फायदा होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट मैं तो ये कहूंगा कि अब्दुल बरी और कोड हेल्प डेवलपर, ये दो सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद यार पीयूष ने बात करी सीपी का कल्चर डेवलप करो, तो मैं भी इस पर एम्फसाइज करना चाहूंगा कि सीपी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, सीपी मतलब बहुत अच्छा चीज है कि आपको हमारा कोचिंग Tier 3 में आना है, Tier 2/Tier 3। अगर आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है Tier 1 में जाना है तो बेस्ट है कि आप अपने सीपी में 5 स्टार तक आपकी अगर रेटिंग आती है किसी भी कोर्स या कोर फोर्सेस पे, इफ यू गेट अप टू द 5 स्टार देन आपका मेजरली आपका जो ऑटोमेटिकली आपका लेवल Tier 3 से Tier 1 तक आ जाएगा, तब आपके पास कंप्लीट करने के लिए सिर्फ Tier 1 के बच्चे होंगे। लेकिन आपके पास सीपी नहीं है तो कॉमनली बात कर रहा हूँ, मतलब नो कोई भी स्पेसिफिक केस नहीं, जनरली बात करें तो अगर आपके पास सीपी में 5 स्टार है देन आपका कॉलेज का टीयर, फिर कॉलेज हट जाता है आपके पास सीपी के 5 स्टार लग जाते हैं देन आप कंप्लीट करोगे सिर्फ Tier 1 के बच्चों के साथ, और अगर नहीं है तो फिर आप पहले Tier 3 से उठ के जाओगे फिर Tier 2 फिर आपके पास Tier 1 में जाकर लड़ोगे, Tier 1 मतलब IITs और NITs के साथ प्लेसमेंट वही Tier 1 का 40+ LPs होता है। तो ये इसका एक मेजर ये भी जरूरी है कि आपने सीपी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो हम कराएंगे जो DSA भी होगा और सीपी दोनों की अलग अलग कॉम्पिटिशन होंगे क्योंकि दोनों एक अलग टर्म्स है। तो एनीवन हैज डाउट नेक्स्ट डेवलपमेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय नेम इज सैफ आई एम इन थर्ड ईयर AI। अब प्रोग्रामिंग की बात तो काफी हो गई लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी कर लेते हैं क्योंकि ये अगर तुम DSA पढ़ते हो या कुछ भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसका यूज भी तो होना चाहिए। रियल वर्ल्ड में क्या एग्जांपल है उसका यूज यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट में। मैं बताऊंगा आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में जिसका सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। कोई बताना चाहेगा वेब डेवलपमेंट के बारे में एनीवन? और बस एक ही हमारे लगा शुभ कार्य इसका फायदा होना चाहिए। सब लोग फोन की नोट पैड से नोट करते रहो, जो जो रिसोर्सेस बता रहे हैं जो जो बोल रहे हैं नोट करते रहो उसको सीरियस से देखो सीरियस से देख पड़े नोट कर लो। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं वेब डेवलपमेंट के बारे में तो वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वेबसाइट जैसे उन्होंने बोला, लेकिन वेबसाइट बनाना भी ऐसा नहीं है कि खाली उसका UI बना दिया। आज के टाइम में वेबसाइट पहले की तरह नहीं है कि खाली डेटा खाली दिखाना है आपको, जैसे मार्क्स दिखा दिए या कुछ भी दिखा दिया। आज के टाइम में वेबसाइट इवन ऑफलाइन है जिसको हम प्रोग्रेसिव वेब ऐप बोलते हैं। आपने कभी वेबसाइट खोली होगी उसमें ऑप्शन आता है एड टू होम करके, देखा है किसी ने? इसको हम PWA बोलते हैं। वो वेबसाइट आपके फोन के होम स्क्रीन पे चले जाती है उसके बाद वो ऑफलाइन मोड में वर्क करने लगती है। तो वेबसाइट खाली अब डेटा वो नहीं है कि डेटा की शो करेगा खाली, बाकी और ऊपर लेवल पे पहुंच चुकी है उसमें वेबसाइट। वेब डेवलपमेंट में आप इवन वेबसाइट नहीं वेबसाइट
बनाने के बाद आप उसका पूरा एक यूआई डिजाइन करते हैं, मतलब एक एक बटन, एक एक फुटर, एक एक सेक्शन, एक एक हेडर, एक एक नेवबार डिजाइन करेंगे उसका, फिर यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे, लाइक यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, खाली दिखाना हमारा पर्पज नहीं है, उससे इंटरेक्ट भी करवाना है, यूजर चाहे इंटरेक्ट कर सके, चाहे फॉर्म हो, फॉर्म दे दो या क्लिक करने पे कुछ हो, या कोई कोई आपका फंक्शनलिटी कैमरा वगैरह ओपन हो या वीडियो कॉलिंग, इस सब की चीजें। साथ में आपको ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सारे लोग ठीक हैं, कुछ लोग इम्पेयरमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डिफेक्ट होता है आई वगैरह में, तो हमें उसका ख्याल भी रखना पड़ता है डेवलपर को, जैसे एक्सेसिबिलिटी का फीचर डाल के, ताकि वो किसी रीडर से, अगर देख नहीं पा रहा तो किसी रीडर से, कोई सॉफ्टवेयर से वो वेबसाइट को सुन सके और वेबसाइट को स्क्रॉल कर सके और चला सके। साथ ही में हमें सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना पड़ता है, ताकि आज के टाइम में वेबसाइट जो है काफी डेटा शो करता है, जैसे कॉलेज का, बैंक का, ट्रांजैक्शन का, तो हमें सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना है कि ये नहीं कि डेटा कहीं भी हम फ्लो करा दें, और कैसे सिक्योरिटी लॉगिन चलती है, किसी को भी लॉगिन करा दें तो वो कैसे वर्क करता है, ये भी वेब डेवलपर काम करता है। बाकी रहता है एक सर्वर जो कि सर्व करता है वेबसाइट। अगर बेसिकली वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो वेब डेवलपमेंट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पहला जो है वो है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड, और तीसरा फुल स्टैक डेवलपर जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम करता है। मैं बात करूं फ्रंट एंड की, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो फ्रंट एंड की बात करूं तो फ्रंट एंड में जो डेवलपर है वो यूआई और यूएक्स डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और सिक्योरिटी और जितना भी यूजर का इंटरेक्ट का काम है, लाइक यूजर जिससे काम करता है, इससे इंटरेक्ट करता है, वो पूरी वेबसाइट वो फ्रंट एंड के अंदर आता है। अगर आपको फ्रंट एंड सीखनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि लाइक हाउ इंटरनेट वर्क्स, व्हाट इज वेब, व्हाट इज इंटरनेट, दोनों डिफरेंस क्या है दोनों में, एचटीटीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, या फिर डीएनएस क्या होता है, और जब हम टाइप करते हैं ब्राउजर में तो कैसे रिक्वेस्ट वहां से सर्वर तक जाती है और सर्वर से कैसे वापस आती है, वो सब भी आइडिया होना चाहिए आपको। उसके बाद जाके आपको सीखना है एचटीएमएल, फिर सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। HTML से वेबसाइट का एक, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो आपके बॉडी में बोन्स जो है वो HTML का काम करती है, लाइक हाउ इट विल लुक लाइक, स्ट्रक्चर ऑफ पूरा वेब पेज वो HTML से हम डिजाइन करते हैं, और उसके बाद CSS से हम स्टाइलिंग करते हैं, लाइक हाउ दिस लुक लाइक, डिजाइन, कलर्स और साइज, वेट एंड ऑल, लेआउट। फिर जावास्क्रिप्ट से हम उसमें थोड़ी इंटरेक्टिविटी डालते हैं, लाइक थोड़ी फंक्शनिंग की, फॉर्म पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये सब काम जावास्क्रिप्ट से होता है। उसके बाद अगर आप ये तीनों चीजें सीख जाते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको आना चाहिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम, पता है किसे उनके होता है, गिटहब, सुना है ना गिटहब, वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अगर आपने वेबसाइट बनाना आपको थोड़ा आता है, आपको उसको पूरे सिस्टम या उसको कोड को एक डेवलप करने के लिए आपको एक सिस्टम भी चाहिए जिससे आप रोल बैक कर सके पीछे कमिट पे या आगे। सपोज करो आपने कोड लिखा, उसके बाद आपने नया फीचर डाला उसमें, और उसके बाद प्रोडक्शन में डाल दिया, मतलब यूजर उसको यूज कर रहा है, लेकिन नए फीचर के बाद उसमें काफी सारे बग्स हैं, तो हमें ऐसा तो चाहिए ना कोई कि हम जो पहले वाला कोड था उसको वापस रोल बैक कर सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम मैन्युअली पहले देखेंगे हमने क्या क्या लिखा था, उसके बाद उसको हटाएंगे, कट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसका फिर रन करके देखेंगे, तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम पीछे जा सके टाइम में और आगे भी जा सके और नई नई ब्रांचें बना सके, मींस कोई फीचर अलग प्रोजेक्ट पर काम कर सके, अलग कॉपी में, कोई प्रोजेक्ट अलग कॉपी में, जिसमें हम गिटहब पे करते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात आता है, अगर आपको थोड़ी और ऊपर जाना है वेब डेवलपमेंट में, कंटेंट में स्पेशली, तो आपको कोई फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, अपने भी चॉइस होती है, लाइक रिएक्ट जेएस, व्यू, एंगुलर, इस टाइम पॉपुलर तो रिएक्ट है, नाम सुना है रिएक्ट जेएस काफी पॉपुलर इस टाइम। आपको फिर उसमें सारे कंपोनेंट बेस, दो टाइप की इसमें चीजें होती हैं, क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनते हैं, तो फंक्शनल कंपोनेंट जो है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पहले यूज होते थे रिएक्ट में, उसके बाद उसमें हुक वगैरह सीखने पड़ेंगे कि हुक कैसे यूज होते हैं। रिएक्ट के बाद आता है बिल्ड टूल और लिंटर्स वगैरह, लाइक जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं भी आप काम करते हो तो आप यहाँ ऐसे अपने मर्जी से काम नहीं करते कि आपकी स्पेसिंग क्या होगी। सपोज करो कोई जावास्क्रिप्ट यूज किया किसी ने, किसी
सेम ही जावास्क्रिप्ट में लास्ट में सेमीकोलन लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी में आपकी मर्जी नहीं चलती कि कोई डेवलपर सेमीकोलन लगाएगा दूसरा नहीं लगाएगा। एक पूरा पैटर्न और एक वो होना चाहिए कि कंपनी का ये रूल है कि लगाना है, तो उसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं जो कि अपने आप ही ये सब काम कर सके। अगर हम छोड़ भी देते हैं तो लास्ट में लिंटर प्रिंटर प्रिंटियर ये सब जो टूल होते हैं वो सब ये काम करते हैं। जब पूरा डेवलपमेंट फेज हो जाता है उसके बाद आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में जेस्ट रिएक्ट टेस्टिंग ये सब लाइब्रेरी आती है फ्रंट एंड के लिए जिसे हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब सपोज एक बटन बनाया आपने तो बटन को टेस्ट कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग से। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है लाइक बटन के बाद क्या होगा और क्या खुलेगा क्या मॉडल खुलेगा वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। और पूरे सिस्टम की टेस्टिंग मतलब पूरे वेबसाइट की टेस्टिंग ये अलग अलग टेस्टिंग के फेज होते हैं। और मैं बताऊं कि रिसोर्सेज अगर आपको पढ़ना है तो सबसे बड़े रिसोर्सेज मेरे अकॉर्डिंग जो है एमडीएन डॉक्स मोजिला के डॉक्स उससे बेटर है मतलब कुछ नहीं है। और अगर आपको पसंद है डॉक्स ना पढ़ के वीडियो वगैरह देखना लाइक तो आप यूट्यूब पे कोर्स ले सकते हो स्टीफन ग्राइडर का जो कि आपको बिल्कुल जैसे आपने लाइब्रेरी जो यूज करोगे वो उस लाइब्रेरी के कोड बेस में जाएगा और उसको खोल के दिखाएगा कि कैसे लाइब्रेरी चल रही है। उसको बाद आपको समझ में आएगा कि स्क्रैच से कैसे चीजें बनती हैं और कैसे लाइब्रेरी काम करती है किसी से कंबाइन होगी। दैट्स ऑल अबाउट दैट फ्रंट एंड। गुप्ता आपको बताएगा बैक एंड के बारे में। अभी जैसे आपने बताया सबको मर्ज करिए तुम्हारी साइट खुल गई साइट नॉर्मल एचटीएमएल फाइल डबल क्लिक कर खोलोगे तो खुल जाएगी। अब ये बताओ कि साइट है साइट का यूआरएल होता है जब कॉलेज साइट हमारा है www.gbbc.ac.in साइट का यूआरएल है वो हर जगह खुल सकता है। बट अगर हम लोग फ्रंट एंड से साइट बनाए ना तो वो लोकल है समझ लो लोकल मतलब तुम्हारा तुम्हारे कंप्यूटर पे कोई और जगह चलाना चाहे तो कोई और जगह नहीं चला सकता। तो यहाँ पे काम आता है बैकएंड का। बैकएंड क्या है बैकएंड बेसिकली एक टेक्नोलॉजी वो है जिससे दूसरा सर्वर है। सर्वर का मतलब पता है किसी सर्वर क्या होता है सर्वर एक मतलब समझ लो कि किसी और का कंप्यूटर है जिसको सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर मैं उस वेबसाइट को सर्वर पर होस्ट कर लूंगा तो क्या कर पाएंगे कि कोई भी चलाना चाहे तो कोई उसका यूआरएल बना दिया सेगमेंट बना दिया कि www.gbbc.ac.in तो कोई भी अगर डालेगा तो ऑटोमेटिकली सर्वर से वो साइट आ जाएगी तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो बैकएंड का काम आता है यहाँ पे ठीक है। अब जैसे आपने बताया इसमें एक फ्रंट एंड की चीज मैं और बताता हूं। जब तुम HTML CSS और JavaScript से तुम साइट बना दो पूरी ठीक है तो सबसे पहले तुम लोग जिसने अभी देखा 90% जने जिन्होंने कुछ नहीं करा हुआ है ठीक है तो सीपी हो गया तुम सीपी करोगे बहुत लोगों को नहीं इंटरेस्ट आता मुझे नहीं इंटरेस्ट आता सीपी में तो मैं डायरेक्टली डेवलपमेंट में गया। तब डेवलपमेंट में अगर तुम जाओगे मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड था तो मैं समझ गया बट बहुत लोग हैं जिनका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो हार्वर्ड की ना एक सीरीज है CS50 का तो बेसिक्स ऑफ तुम्हारा कंप्यूटर बताता है वो बेसिकली सीएस का बैकग्राउंड बता देगा तुम्हारा बेसिक्स बिल्कुल की वन क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में जीरो क्या है वो सब कुछ बता देगा। तो जिसको नहीं इंटरेस्ट आता सीपी में तो वो डेवलपमेंट साइड से भी जा सकते हैं। और जब तुम प्लेसमेंट ले जाते हो तो सीपी तो मैटर करता ही है बट डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है कि तुम घुस तो गए तुमने कुछ कोड कर लिया बट तुम्हें कुछ आना तो चाहिए। जो सीपी है सीपी तुम्हारा एंट्री लेवल के लिए तुम एक बार कंपनी में घुस गए उसके काम तो तुमने कुछ डेवलपमेंट भी करना है ना या तो तुम कुछ किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे कुछ करोगे तो मेन काम तो तुमने डेवलपमेंट भी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रेज्यूमे में रहती है डेवलपमेंट और जो जिसके अंदर आता है सबसे पहले तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट ठीक है। तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स सबसे पहले अगर कोई भी तुम लोग हो तो डेवलपमेंट कौन कौन है डेवलपमेंट में जाना चाहता है सीपी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी का मतलब अगर सीपी हो गया बेसिकली तुम प्रोग्राम क्वेश्चन दे रहे हो तुम्हें तुम कोड लिख रहे हो बस यही है सीपी कि तुम टाइम मतलब कोड को एफिशिएंट बनाओगे। वेरियस डेवलपमेंट में क्या होगा कि तुम वेबसाइट बना रहे हो मोबाइल ऐप बना रहे हो iOS ऐप बना रहे हो या डेवलपमेंट में एक और चीज आती है IoT ठीक है IoT भी आता है जो आज की डेट में IoT जो है IoT बहुत बहुत बड़ा वो है। तो IoT से बड़ा मतलब अगर तुम कोई चीज देखो IoT में तुम मशीन लर्निंग अंदर आ जाती है तुम्हारी तुम क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है सब कुछ IoT बेसिकली सब कुछ कवर कर देता है अपने साथ ठीक है। तो अब इसमें आता है बैकएंड वाले पार्ट पे। अब समझ के तुम लोग समझे
ये देखो ये हमारी पहले फ्रंट एंड की साइड थी, मान रहे हैं हमारे फ्रंट एंड की साइड, दिख रहे सबको? तो आप ये तुम्हारा लोकल कंप्यूटर पे चल रही है, ठीक है, ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे चल रही है। तो अब इसको अगर मुझे यूनिवर्सल करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सर्वर, कोई भी सर्वर ले लूंगा, ठीक है, हमने सर्वर को होस्ट कर दी साइड को। तो सर्वर को होस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम, जैसे तुम देखो तुम्हारा यूआरएल क्या, डिफॉल्ट सा क्या है, www.gbpec.ac.in। अब देखो किसी को तो पता नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है, मैं तो फंक्शनलिटी समझा देता हूं। जब तुम यूआरएल डालते हो ब्राउजर में, एंटर मारते हो ना, तो क्या होता है, ये वेबसाइट इस सर्वर से रिक्वेस्ट मारती है कि इस साइट देखनी है, तो मैं यूजर हूं, मुझे साइट देखनी है। एक रिक्वेस्ट आई इस सर्वर पर, तो सर्वर क्या करता है, इंटरनल पीछे में साइट देखता है। तो बेसिकली काम ये है कि अगर तुम बैकएंड यूज कर रहे हो, बैकएंड काम ये है बेसिक कि सर्वर को तुम, जो तुम्हारा वेबसाइट है तो लोकल है, तुम उसको एक सर्वर को होस्ट करके सब लोग एक्सेस कर सकते हो। अब बैकएंड में क्या क्या चीजें आती है, बैकएंड में इस चीज को कनेक्ट करने के लिए सबसे जो मेन आता है वो आता है APIs, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API से थ्रू ये लिंक होता है, ऐसे तो डायरेक्ट लिंक तो नहीं कर सकता मैं, कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केबल लगा दी मैंने वेबसाइट, ब्राउजर केबल है कि ब्राउजर में केबल लगाई और मैंने सर्वर में लगा दी तो चल रहा है, कुछ है नहीं। तो ये होता है API के थ्रू, ठीक है, तो API के थ्रू तुम इसको लिंक करते हो। और API में सबसे मेन जो होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन टोकन। अब कोई भी API है तुम्हें कोई चीज एक्सेस करनी है, तो कोई भी अगर सपोज ये तुम्हारा सर्वर है, सर्वर के अंदर ये तुम्हारी वेबसाइट पर कुछ डेटा है, यहाँ पर ये यूजर की तरह डेटा है, ये यूजर बनता है और ये डेटा तुम्हारा यूजर टू पर, मान लो कि दो यूजर है बस। तो जब तुम यहां से रिक्वेस्ट मारोगे API के थ्रू, तो जब तुम देखोगे तुमने, अगर तुम्हारा ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, ऑथेंटिकेशन टोकन क्या होता है, एक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी विद सबके अलग यूनिक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी, हर जने का हर यूजर की अलग होगी। तो अगर तुम यहां से एक्सेस करो उसको, तो अगर उसमें जो वो है और ऑथेंटिकेशन टोकन है वो यूजर वन का है तो डेटा किसका दिखाएगा, सिंपल यूजर वन का दिखाएगा डेटा। अब अगर यूजर टू को डालो यूजर टू का दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज होती है, फिर आता है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली ये जो है सर्वर पर डेटा स्टोर करना है। अब लोकल तो है नहीं, जो हम लोग फाइल बनाकर स्टोर कर दी, सर्वर पर डेटा स्टोर करना है तो उसके काम आता है डेटाबेस। अब डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में तुमने किसने सुना SQL लैंग्वेज के बारे में पढ़ी होगी शायद, एड फेड में पढ़ी होगी शायद, SQL पढ़ी है ना, तो वो डेटाबेस की लैंग्वेज होती है। इसमें लिखते हैं क्वेरी, लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल नेम, ऐसे करके लिखते हैं, तो वो जो होती है वो डेटाबेस की लैंग्वेज। अब जिन्होंने पहले करा उनको थोड़ी आसानी होगी करने में अगर वो बैक एंड साइड में जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस में दो तरह होता है, एक होता है SQL होता है, एक NoSQL होता है, ठीक है। SQL जो होता है, SQL में हम लोग SQL लैंग्वेज यूज कर रहे हैं डेटाबेस के लिए, और NoSQL में हम लोग और जो जैसे MongoDB है, MariaDB है, वो चीज यूज करते हैं हम लोग यूज कर डेटाबेस के लिए। तो अभी के लिए तुम्हारा बस इतना बहुत है इस वाले पार्ट के लिए, मतलब बैकएंड वाले डेटाबेस वाले पार्ट के लिए इतना बहुत है। इसके बाद आता है तुम्हारा एक चीज होती है, किसने सुना इसके बारे में, SSL, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये देखा तुमने, ये साइट से पहले ये होता है HTTPS, कुछ में HTTP होता है, कुछ में HTTPS होता है। तो जो S आ रहा है ना, उसका सिक्योर्ड है साइट, कि तुम उसमें कोई जना अगर वो टेस्टिंग करते हुए, पेंट्रेशन टेस्टिंग जो होता है उसमें करते हो, तो इतनी आसानी से डेटा नहीं निकाल सकता अगर सिक्योर साइट है, ठीक है। ये जनरली 128-bit सिक्योर्ड होता है, जनरल चलता है ना 128-bit सिक्योर होता है, 128-bit SSL सिक्योर्ड होता है। तो ये HTTPS इससे आता है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ये बेसिकली तुम्हारा डेटा जा रहा है, तो जो चीजें हो रही हैं उन सबको सिक्योर, मतलब उनको सिक्योरिटी के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई तुम्हारी बैकएंड, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली वेबसाइट का बैकएंड है, अगर तुम कुछ भी कोई भी वेबसाइट चलानी है, तुम्हारी लोकल वेबसाइट तुम्हारी उसमें आ गई, तो ये चीज तुम्हारा वेब डेवलपमेंट का पूरा बेसिक्स हो गया। कि अगर तुम यहां से शुरू करा, तुमने एक साइट बनानी शुरू करी, तो अगर तुम रोड मैप में जाते हो, तो फ्रंट एंड बताया, फ्रंट एंड हो गया, तुमने अपने लैपटॉप बनाए, स्टार्टिंग बन गई, उसको होस्ट कर सकते हो, तुम होस्ट हो जाती है साइट। फिर आता है तुम्हारा बैकएंड, बैकएंड हो गया कि तुमने पीछे कहीं और किसी और पे होस्ट करना है, उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ता है। जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड में होस्ट करने के लिए तुम्हें लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है Node.js। जो Node.js है बेसिकली, Node.js ना जावास्क्रिप्ट है ना,
वो है Node.js, वो भी जावास्क्रिप्ट की तरह लैंग्वेज है पूरी, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली, सर्वर साइड के लिए होती है, ठीक है। Node.js ये होती है, डेटा बेस के लिए तुम्हारा सिंपल हो गया, फिर MongoDB हो गया, MariaDB हो गया, ये तुम्हारे हैं डेटा बेस के। Whereas तुम डेटा बेस के लिए ये सब है, इसके लिए और भी चीजें अवेलेबल, जैसे तुम इसके लिए कोई भी मतलब कोई प्लेटफॉर्म ले लो, Firebase होता है, तो Firebase में यूज कर सकते हो, Firebase में स्टोर कर सकते हो अपना डेटाबेस जो तुम बना रहे हो, तो Firebase में बना सकते हो और Firebase को लिंक कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है तुम्हारा ये वाला पार्ट है ना, SQL वाला, ये तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा कि तुमने एक थर्ड पार्टी चीज यूज कर ली, तुमने उस पर अपना डेटाबेस बना दिया, उसको लिंक कर दिया और वो तुम्हारा काम कर रहा है। अब ये सब चीज ये तो तुम्हारी यूज होती है। अब Node.js जो है, Node.js में अगर तुम देखो, Node.js के अलावा भी होती है एक लैंग्वेज है PHP, ये हम सबसे पुरानी लैंग्वेज है, इतनी पुरानी लैंग्वेज है। आज की डेट में 90% जो अगर तुम किसी कंपनी में जाते हो एज अ फ्रीलांसर काम करते हो ना, तो 90% अगर तुम कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, उनकी जो होती है JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिखा होता है PHP आती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा सपोज तुमने कोई वो कंपनी खोली, ठीक है, तुम अगर सब कुछ नया बना रहे हो, तो तुम सब नया बनाओगे ना, तुम Node.js बनाओगे, सब कुछ अपडेटेड बनाओगे। अब होता क्या है कि सबकी पुरानी साइट है, ठीक है, तो कोई अपडेट नहीं करना चाहता, क्यों करे भाई, क्यों पंगे ले फालतू चल रहा है। तो सबसे एक कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रोग्रामिंग क्या है कि क्या है, ये अगर चल रहा है ना छोड़ दो, छूना नहीं उसको, सबसे वो है चल रहा है तो नहीं छेड़ना, ठीक है। तो PHP की एक लैंग्वेज, तो आज भी 90% चीजें जो है पुराना वो PHP पे, तो PHP में रिकमेंड नहीं करूंगा सीखना, क्योंकि बहुत ही भाईहत लैंग्वेज है, हद से ज्यादा भाईहत, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसका, क्यों, क्योंकि कहीं तुम काम करोगे तो पूरा PHP में ही बना हुआ है, तुम्हें अगर शिफ्ट भी करना है तो तुम्हें इतनी PHP आनी चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, तुम उसको पढ़ो और तुम Node.js में लिख सको उसको, इतने बेसिक्स आने चाहिए बस, उससे ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो सर्वर का बताया तुम्हें, सर्वर बहुत तरह होते हैं, जैसे एक होता है NGI, एक सर्वर होता है बेसिकली, ये भी एक सर्वर है, छोटे सर्वर का टाइप है। फिर एक होता है, एक सर्वर का नाम था बताता हूं मैं, एक NGIX था तुम्हारा, और फिर अपैचे सर्वर होता है, ये सब तुम्हारे सर्वर टाइप ऑफ सर्वर्स हैं जो तुम्हारे यूज होते हैं पीछे, ठीक है। अब ये तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा ये अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा बैकएंड खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरी चीज, फुल स्टैक। फुल स्टैक कौन हो गया, इसको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, दोनों को साथ में चलाना आता है। 90% JDs में फुल स्टैक को मांगते हो, ये फ्रंट एंड ही मांगते हो, ये वो चाहते हैं कि अगर मेरा फ्रंट एंड वाला काम कर रहा है उसको बैक एंड भी आना चाहिए, कि बाय चांस अगर बैक एंड वाला नहीं हुआ, कोई दिक्कत आए तो वो काम कर सके, जनरली फुल स्टैक की डिमांड रहती है। तो अगर तुम लोग कोई भी जाता है, कोई भी वेब डेवलपमेंट साइट जाना चाहता है, तो सबसे पहले तुम्हें फ्रंट एंड सीखना है, देन तुम्हें बैक एंड सीखना है, एंड देन तुमने इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कि तुम उसमें आओ, कि तुम फुल स्टैक की कैटेगरी में फॉलो करो। फुल स्टैक वाले लाइक उसको फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड में उसके सारे उसको फ्रेमवर्क्स आते हैं, जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसको बैक एंड आता है, बैक एंड में जो जो चीज हो रही है, बैक एंड में अब तुम जो होता है बैक एंड में तुम्हारी Node.js है, PHP लैंग्वेज है, तुम्हें पता होना चाहिए बैक एंड में जावा जो होती है, जावा भी यूज होती है, जावा होती है, रूबी और रेल्स है, वो सारी लैंग्वेजेस तुम्हारी बैक एंड में यूज होती है, जावा हो गया, रूबी और रेल्स हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस जो है तुम्हारी बैक एंड में यूज होती है। तो ये सब अब आधी सारी लैंग्वेज पुरानी है सब, तो काम क्या होती है Node.js को होता है। Node.js फायदा कहां आता है Node.js में, अब देखो तुम फ्रंट एंड में JS का कोड लिख कर आ रहे हो, जावास्क्रिप्ट में JS का कोड लिखा तुमने फ्रंट एंड में, अब तुम्हें JS से तुम फेमिलियर हो, तो अगर तुम बैक एंड में Node.js को यूज करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी कोई भी प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए, समझे। तो ये चीज तुम्हारी वो खत्म हो गई, ये तुम्हारा फुल स्टैक भी हो गया और तुम्हारा पूरा वेब डेवलपमेंट खत्म हो गया। अब मैं तनिष्क बोलना चाहूंगा, वो तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में बताया। हेलो एवरीवन, बोर हो गए क्या सारे सारे मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा यार। तो आपके प्रोफेसर ने आपको बताया कि क्या बोलते हैं लैंग्वेज करनी है, कौन कौन सी बताई, हाँ फिर उसके बाद कपिल सर ने आपको बताया
कि भाई उससे आपको क्या करना है, बीएससी करना है। बीएससी का फुल फॉर्म फिर उसके बाद आपको सैरसन ने बताया कि उसको यूज करके आपको वेब डेवलपमेंट करना है, और उसके बाद आपको गुप्ता सर ने बताया कि आपको आईओटी और बाकी चीजें आप कैसे यूज कर सकते हो, है ना। तो एक चीज बच गई शायद, कोई गैस कर सकता है क्या बच गया? एंड्रॉइड डेवलपमेंट बच गया, वेरी गुड। तो यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ सब ज्ञान पे रहते हैं, पहले एक क्वेश्चन तो पूछ लें कि भाई करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है करना चाहिए क्या है? करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए। देखो करना चाहिए इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो दो रीजन हो सकते हैं क्योंकि हम बीटेक कर रहे हैं सारे सारे। एक रीजन ये हो सकता है कि हमें हमारा ना फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हो सकता है हमें फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाना हो, उसमें हम अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूज कर लेंगे, प्रोजेक्ट बना देंगे, और हर किसी को ना वर्किंग प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई तुमने कुछ भी प्रिंट करने का ऐसा वैसा कुछ दिखा दिया और बस हो गया, तो उसमें नंबर यार फिर वही मिलेंगे, पासिंग मार्क्स। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ये होगा कि यार तुम कुछ एंड्रॉइड ऐप बनाओगे, और एंड्रॉइड ऐप में क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्किंग होगा, तो वर्किंग ऐप सबको अच्छा लगता है तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि यार हर कोई सिर्फ प्लेसमेंट लेने नहीं आया, और होगा कोई जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप वार्टअप करेगा कुछ। तो यार स्टार्टअप वार्टअप में क्या सीन होता है कि तुम अपना ऐप बनाओ, है ना, और उस ऐप को तुम लॉन्च कर दो, और उस ऐप को लॉन्च कर दो, फिर उसको मोनेटाइज करो, और वो ऐप ऐसा होना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप होगा, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और तुम्हारे पैसे बनेंगे, सही है, सही है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसलिए मैं ऐप डेवलपमेंट बता रहा हूँ आपको। तो ऐप डेवलपमेंट में दो लैंग्वेजेस होती है, एक होती है जावा, एक होती है कोटलिन, और भी होती है, बट मेनली जो मेन फोकस होता है वो ये होता है। तो सबसे पहले एक जो यहाँ से चलते हुए आया ना कि पीयूष ने आपको बताया भाई लैंग्वेज करो, फिर बीएसए करो, फिर वेब डेवलप करो, फिर आईओटी थोड़ा अलग लेवल हो गया, बट ये तीन चीज है, तो ये तीन ही चीज पहले करो, उसके बाद एंड्रॉइड में घुसना। मैंने गलती कर दी थी, एंड्रॉइड में पहले चली गया और फिर बाद में बैकएंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर सैमसंग से मदद लेनी पड़ रही थी, है ना, तो वो समझा गए थे। तो पहले क्या करना है, ये तीन चीजें कर देना, है ना, ये तीन चीजें करना, फिर एंड्रॉइड में घुसना। एंड्रॉइड में क्या करोगे, जावा करोगे या कोटलिन करोगे? अगर तुम्हारा ये है कि यार देखो मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपना फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाना है, तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बना लो जावा से यूज करके, कोटलिन कौन सीखेगा बैठ के। लेकिन अगर कुछ है कि हाँ यार इसमें घुसना है, और इसमें तगड़े पैकेज होते हैं यार वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, तो अगर उसमें जाना है तो फिर कोटलिन पकड़ना, ठीक है। कहां से सीखोगे? अभी यूट्यूब पढ़ा हुआ है फुल, हिंदी में सीख रहे हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखना इंग्लिश में सीखो। हिंदी ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन वाले बेकार होते हैं और इंग्लिश वाले बहुत तगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कॉटलिन सीखनी है, पोर्टल डायरी से सीखो, अपना अनुज भैया है जो है ना अपनी कक्षा वाले उनसे सीखो। जावा भी सीखनी है तो मैं तुम्हें वो करूंगा कि अपनी कक्षा का जो पहले अनुज भैया ने पढ़ाया था ना वहां से सीखना, अगर कोई जावा सीखेगा अभी, क्योंकि काफी लोग अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे होंगे, तो किसी को सीखना होगा ना वहां से सीखना, बाकी और जो सर लोगों ने बताया आप लोगों को वो भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपको बेसिक सीखने, सबसे पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बेसिक सीखने। बेसिक में क्या करना है कि भाई देखो कोई भी वो उठा लेना, क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट, फिर उसकी जो पहली चार वीडियो है ना वो देख लेना और सीधा बना देना ऐप जितना सीखा, ठीक है। उसमें क्या सिखा देंगे तुम्हें, एंड्रॉइड स्टूडियो पता है सबको, है ना, पता होगा कहीं होगा एंड्रॉइड स्टूडियो, वो एक ऐप ऐसा मतलब ऐप होता है जिसमें हम एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है गूगल ने, ठीक है। और आईओएस के एप्स होते हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में बनते हैं, उसकी अलग लैंग्वेज होती है स्विफ्ट और वो सब, बट इंडिया में उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, इंडिया में एंड्रॉइड डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको सबसे पहले उसको एंड्रॉइड क्या बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोलना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, पहली तीन वीडियो मान लो बेसिक लगा दिया, इंटेंट बनाना या एक्टिविटी समझ लो, जैसे कोई फोन है उसके जो एक स्क्रीन दिखती है ना उसको एक्टिविटी कहते हैं, वो हो गया, उसमें बटन लगाना हुआ, बटन क्लिक हुआ, इंटेंट हुआ, जैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना तो इंटेंट के थ्रू जाते हैं, ये चीजें भी ये सीख गए लगा दो पेल दो, ठीक है, पेल दिया सीख गए भाई, ठीक है। फिर अगली चार वीडियो लगाई, मान लो उसमें तुमने रिसाइकलर व्यू या मान लो और क्या हो गया तुम्हारा एपीआई यूज करना सीख लिया,
वो लगा दो, फिर उसको एक बेसिक ऐप बना दो, बाकी तुम अपने आप सीख जाओगे। जैसे तुम्हें कुछ और चीज लगानी है, एक होता है इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, वो लगानी है, वो तब तुम उसके लिए जाओ गूगल पे, है ना, और वहां से स्टैक ओवरफ्लो में क्वेश्चन पूछो कि भाई हाउ डू ये, वो सो वो आ जाएगा, तुम सीख जाओगे। इसकी इससे रिलेटेड वीडियोस देख लो, जिस भी प्लेलिस्ट को देख रहे हो उसी में देख लो, या फिर किसी और की देख लो। प्रोग्रामिंग विद मोश है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है ना। और तुम्हारा और कौन सा है, ट्रैवर्सी मीडिया है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाता है। इंडियन प्रोग्राम अपना गुडविल हरी तो है, इसके अलावा अनुजय, उसके अलावा स्ट्राइवर है बताया उन्होंने। तो ये सारी चीजें यहाँ से कर लोगे हो जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यार पहले ना ये सब करना जो बाकी सब लोगों ने बताया आपको, ये मैम लोगों ने बताया कि भाई पहले लैंग्वेज सीखो, डीएसए करो, क्योंकि भाई प्लेसमेंट तो डीएसए से होगी, अब पहले ये प्लेसमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद फिर वेब डेव कर लेना। वेब डेव ज्यादा आसान है, बिकॉज वेब डेव और एंड्रॉइड में ना वेब डेव बहुत आसान है, उसमें अच्छा तगड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा, सर लोग खुश भी हो जाएंगे, नंबर भी दे देंगे, तुम्हारा सीवी बन जाएगा, और ज्यादा जिसको चुल्ले फिर वो एंड्रॉइड भी कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, ये आप क्या कब करते हम, क्या टेंशन हो गई क्या सबको? नहीं नहीं थोड़ी बहुत हो गई होगी, सर लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही टेंस कर दिया कितनी चीजें बता के। तो अभी तो ऐसा ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो अभी बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, लाइक अपने प्रोग्रामिंग सीखो, लॉजिक बिल्डिंग सीखो, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यार लॉजिक नहीं बन रहे, तो यार मेरे से प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, कभी कभी दिमाग में आता है ऐसा, ठीक है। सिंपली मैं एग्जाम्पल दूंगा, अगर तुम मैथ वगैरह तो सबने करी है, ठीक है, मैथ में क्वेश्चन करते थे, कभी कभी क्या होता था बनते थे, कभी कभी नहीं बनते थे, तो वैसे ही है प्रोग्रामिंग, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जीनियस होगा, अगर जीनियस भी बॉर्न होगी वो बचपन से कोडिंग से पैदा होती, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हें आएगी, ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने आएंगे तुम्हें। तो सिंपली आप फिर प्रोग्रामिंग का एक सिंपल लॉगो है पढ़ना, ये तुम्हें क्या एक टाइप से लॉजिकल थिंकिंग देता है तुम्हें, ठीक है, डिफरेंट टाइप से डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, ठीक है, लाइक कि तुम्हें एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में भी जैसे तुम करते हो कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है सपोज ये, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई एक बंदा दूसरा सोच रहा होगा, दूसरा बंदा दूसरा सोच रहा होगा, ठीक है, तो यही टाइप से इसी टाइप से तुम प्रोग्रामिंग भी सीखते हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि दो नंबर को जोड़ने का सिर्फ एक ही कोड है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर ली थी बेसिक किसी ने फर्स्ट ईयर में, है ना, सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो हाँ तो बार बार सब्जेक्ट आया, कौन सब्जेक्ट है वो, हाँ सी प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है, तो उसमें तो सिंपल ऐसा है कि दो नंबर, ठीक है, अब सिंपल 2+2=4 होता है, ठीक है, पर हम जैसे प्रोग्रामिंग में करेंगे a+b, ठीक है, तो a+b को जोड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, ठीक है, कई तरीके हैं, ठीक है, तो वही है तुम्हें क्या करना है कि लॉजिकल थिंकिंग मिलेगी तुम्हें कि इस टाइप से भी कर सकते हैं, उस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें हेल्प करेगी रियल वर्ल्ड में, जब भी कोई तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, चाहे सब्जेक्ट में होगा या किसी भी चीज में होगा, तुम देखोगे उसे, तुम हर जगह से टटोलोगे उसे कि हाँ ये सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तुमने कई चीजें करी होंगी घर पे, करी होगी कोई प्रॉब्लम सॉल्व सिंपली, कोई डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी नॉर्मल करते होगे तुम, कि देख लिया कोई स्क्रैच है उससे कुछ नई चीज बना ली, क्या करा तुमने, सॉल्यूशन बनाया ना उसका, ठीक है, उससे क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन डेवलप हुआ, तुम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वो वही है तुम्हारा, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आएगा। ऐसा मत समझो कि तुम एक हफ्ता बैठोगे, एक हफ्ते में तुम एक दिन बैठो कि आज मैं 10 घंटे प्रोग्रामिंग करता हूँ तो आ जाएगा मेरे को, ठीक है, ऐसा नहीं है, तुम एक घंटा बैठो भले ही, तो भाई एक घंटा बैठो डेली बैठो, ठीक है, ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन कर रहे हो चाहे वो कितना छोटा है, ये नहीं कि नहीं आ रहा मेरे को तो छोड़ देती हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है, सिंपल प्रैक्टिस करो अपना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग ही है सीएस में, बहुत चीजें हैं, ठीक है, लाइक बहुतों को होगा कि प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कोई है ऐसा इंटरेस्ट नहीं है प्रोग्रामिंग में, अभी शायद किसी ने करी नहीं है ना तो जब करोगे तब होता है ऐसा दिमाग में आता है कि यार प्रोग्रामिंग मेरे उसमें नहीं है, ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम आएगा सबको, कि बहुत चीजें एक्सप्लोर करोगे तुम, अभी तुम्हारा टाइम है, तो ऐसा है कि इन्हें भी देखो साइड बाय साइड। तो अभी सीएस50 बताया था, किसने बताया था,
गुप्ता ने बताया ठीक है, CS50 देखना, MIT का 2020 वाला, तो लेक्चर 1 देखना उसका बस, बाकी बाद में देखना, लेक्चर 0 हो वैसे तो ठीक है, तो उसमें दिखाता कि वाई प्रोग्रामिंग, ये तो सिंपल बता दें कि प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है ठीक है, पर वाई प्रोग्रामिंग समझ रहे हो, वाई प्रोग्रामिंग बताओ कि लाइक तुम्हारा हार्डवेयर सपोज ठीक है, हार्डवेयर क्या होगी, तुम्हारी डिस्प्ले वगैरह होगी ठीक है, तुम कोई भी इनपुट दे रहे हो ठीक है, वहां कैसे हमें दिख रहा है वो ठीक है, जो तुम्हारा कोड करोगे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है तुम्हारे हार्डवेयर से ठीक है, सिंपली ये सब चीजें सीखोगे, बहुत चीजें तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम ये जानोगे उसमें कि हम प्रोग्रामिंग ही क्यों चाहिए हमें इन चीजों को करने के लिए, तो उसमें समझोगे तुम कि प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए ठीक है, हमारी लाइन हो गई ठीक है, इनमें प्रोग्रामिंग एक टाइप से 0 1 है ना, ऑन ऑफ ठीक है, तो इनमें क्या लगे रहता है, चिप्स वगैरह लगी रहती है ना सब में, डिवाइस तो वो क्या है, वो भी ऑन ऑफ में ही काम करते हैं, पर ऑन ऑफ को काम करने का तरीका क्या होता है कि अब क्या है कि जैसे लाइट है तुम्हारी बल्ब है ठीक है, ऑन कर दिया तो 1, ऑफ कर दिया तो 0 ठीक है, अब तुम्हारी डिस्प्ले है इसमें ठीक है, बहुत सारे 0-1 चाहिए तुम्हें ठीक है, बहुत सारे 0-1 एक ही टाइम पे ऑन ऑफ करने हैं ठीक है, अब उनका क्या होता है पैटर्न अलग होता है कि ठीक है कि 1 ऑन किया या 0 ऑफ किया ठीक है, कौन सा ऑन ऑफ होगा एक किस टाइम पे होगा, तो उसी चीजों को उन चीजों को हैंडल करने के लिए क्या हुआ, तुम्हारी भी टाइप से प्रोग्रामिंग है, तुम कोड लिखते हो तो तुम्हें क्या, तुमने कोड लिखा सिंपल सा एक कोड लिखा ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ऑन ऑफ करेगा बस स्विचेस को ठीक है, जो तुम्हारे सर्किट्स में, और उसके बेसिस पे तुम्हारे आउटपुट निकलेंगे, तो सिंपल इतनी बेसिक है प्रोग्रामिंग तुम अगर एक ग्राउंड लेवल पे देखो तो ठीक है, तो यही है बस, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, अभी तो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम है, चिल करो सब ठीक है, चिल भी करना ही है, ऐसा तो है नहीं, सब पर प्लेसमेंट ही चाहिए, प्रैक्टिस करो सब अपनी ठीक है, बाकी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी टेंशन होती है तो इतने सारे इनको टेंशन दो ठीक है, ये सब हेल्प करेंगे तुम लोगों की ठीक है, तो बाकी किसी को प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टेक्ट कर लिया करो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके थैंक यू। सभी लोगों को यार रिसोर्सेज पता चले होंगे, बाकी खुद जाओ रिसोर्सेज बता दिए, अगर आप एक बार इस चीज में फील्ड में घुस जाओगे और आप खुद ही अपने उसके बेस्ट रिसोर्सेज जो जो पढ़ने खुद आपको आने लगेंगे, हमने सिर्फ आपको स्टार्टिंग बता दी, स्टार्टिंग करके आप एक बार स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जब किसी भी फील्ड में एक बार एंटर हो जाएंगे एंड आपके पास खुद के जो बेस्ट रिसोर्सेज जो आप ढूंढ रहे हो वही 10 चीजें अलग पता चलती है, अभी आपने BSc कर रहे हैं, BSc की प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस के भी 4-5 बेस्ट है, सबसे बेस्ट आपका LeetCode आ गया, फिर GFG आ गया, तो जब आप चीजों में खुद घुसोगे तो तब आपको सारी चीजें अलग अलग चीजें पता चले रहेंगे, हैकर रैंक के अलावा 2-3 प्लेटफॉर्म हो गए, आप उन पर जाओगे क्योंकि आप एक बार हैकर रैंक पे जाओगे तो आपको चीजें पता लगेगी कि इसके अलावा ये ऑप्शंस भी थे, आपको देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना, आप उसका एक बार सोल्यूशन शायद सर्च कर लोगे जाकर, तो सोल्यूशन किसी और साइट पर आएगा तो आप वहां पर भी जाकर वो सोल्यूशन देखोगे, तो इस तरह आप एक बार स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम है ये बस सोचना कि सीरियस है, असाइनमेंट देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो जो भी दिक्कत है जो भी आप एक बार कोड स्टार्ट कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, और अगर आपको वेब डेवलप कर रहे हो तो अनन्या वाली टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कॉन्टेक्ट कीजिए आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और मेजरली अभी आप 1 महीने की हॉलीडे पर जाने, वर्कशॉप कराने का मेन मोटिव यही था कि आपको सारी चीजें पता चल जाए, ऑप्शंस पता चल जाए, जिससे आप हॉलीडे में जाकर आप एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हमारे एंड से हमारे हमें अपनी स्टडी छोड़कर आपके लिए वर्कशॉप कराई थी, उसका मेन रीजन यही था कि आपको सारी चीजें बात पता चल जाए, जिससे आप इसके 1.5 मंथ का जो आपका स्पेंड होगा ऑलरेडी उसे आप यूटिलाइज कर पाए, फिर जिससे आप जो फरवरी में आएंगे देन आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, तो मेन मोटिव यही था, इसलिए 1 महीना यूटिलाइज कर लेना, हॉस्टल में आके पढ़ाई नहीं होती, एक बार आप कोई भी चीज घर से स्टार्ट करके आएंगे तो उसको ईजी होगा कैरी फॉरवर्ड करना हॉस्टल में आके, लेकिन आप हॉस्टल में स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है।